नमस्कार, आप देख रहे हैं livecities.in। लाइव सिटीज में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ हैं देश के नामचीन प्लेबैक सिंगर हरिहरन, गजल सिंगर। आज हम इनसे बातचीत करेंगे लाइव सिटीज के लिए इनके गजल और संगीत के सफर के बारे में। सर, आपका स्वागत है लाइव सिटीज। आपकी माँ गुरु रही हैं, आप विरासत में आपने संगीत सीखा है, वो कर्नाटक शैली से रही। कर्नाटक जी, कर्नाटक म्यूजिक से। और आप आरंभ में कर्नाटक शैली ही सीखा, ऐसा है? मैं बताता हूँ जी, मैं मुंबईया हूँ, पैदाइशी मुंबई जी। तो घर में कर्नाटक म्यूजिक हुआ करता था जी, और मैं डॉन बॉस्को में स्कूलिंग करता जी, तो वहाँ मेरा वेस्टर्न म्यूजिक था और हम विविध भारतीय भी सुनते थे। और मेरे जो माता पिता हैं दोनों म्यूजिशियन हैं, पिता बहुत पहले गुजर गए, बट वो हिंदुस्तानी संगीत में रुचि रखते थे, हम सुनते थे, जैसे आमिर खान साहब, बरेदुरा मल्लिका साहब। तो वो जो सुनना हर टाइप के संगीत वो बचपन से जी, और सीखना बेसिकली क्योंकि घर में कर्नाटिक म्यूजिक है वो सीखे। तो घर में ये नहीं था कि ये परंपरावादी या शुद्धतावादी? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। मतलब अच्छा संगीत हो दो पार्टी होते हैं, मतलब अच्छा हो या खराब हो, आप अच्छे गाना बजाना करें बहुत अच्छी बात। अच्छा, मैंने तो कहीं सुना है कि आपकी ग्रैंड मदर भी ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार गाती थी कर्नाटक शैली में। ऐसे उड़ी हुई बात है। फ्यूजन को लेकर मन में बहुत कंफ्यूजन है, जो तथाकथित सो कॉल्ड वो है शुद्धतावादी या ट्रेडिशनल सोच वाले, तो आप उनके इस कंफ्यूजन को कैसे दूर करेंगे? देखिए, आप फ्यूजन पहने हैं, आप सूट पहने जी, और शुद्ध हिंदी बोल रहे जी, फ्यूजन जी, क्योंकि इंडिया में तो जब से ब्रिटिशर्स आए तो फ्यूजन की तो कमाल बात है जी, हर चीज फ्यूजन में जाइए। तो संगीत में अगर आप सोच के करें फ्यूजन और कायदे से करें, कायदे से करें तो अच्छी बात है जी। तो ये लेसन लेविस के साथ एक कॉलोनियल कजन की शुरुआत कैसे हो गई? हाँ, वह हम दोनों, वो प्रोड्यूसर हुआ करता था तब, वो जिंगल्स वगैरह करते थे जी जी, डायरेक्टर, तो मैं उनके लिए उनके साथ मैं काम करता था। तो एक दिन ऐसे वो गिटार वगैरह बजा रहे थे, मैं भी गुनगुनाने लगा जी, तो एक कुछ थर्ड एलिमेंट फॉर्म हो रहा था, ट्यूशन जो एलिमेंट है। तो हमने कहा कि बहुत अच्छा है जो भी कर रहे हैं हम, क्योंकि एक नेचुरली हमारा कॉम्बिनेशन रहा म्यूजिकली। अच्छा, तो हमने कहा इसको एक शक्ल दिया जाए जी, फिर कुछ गाने बनाए हैं। तो दैट इज स्टार्टिंग 92-93 में हमने फॉर्म किया बैंड। अच्छा, 94 में हमने रिकॉर्ड किया जी, मैग्ना सोनिक कंपनी उन्होंने किया, 94 में हमने लंदन जाकर रिकॉर्ड किया, 96 को रिलीज। जहां तक मुझे जानकारी है कि कॉलोनियल कजन जो उसका एल्बम था एमटीवी अनप्लग में पहला हिंदुस्तानी वो फीचर, अभी तक एक ही अभी तक हुआ है, अभी तक उसके बाद कोई नहीं है। अच्छा, और ये मैं जानना चाहता था कि आप ए आर रहमान साहब के पसंदीदा सिंगर्स रहे, थोड़ा सा उनके बारे में कुछ कि ऐसी क्या खासियत? 92 में उनको मिला मैंने। एक चीज और सर, मुझे जहां तक याद है आप पहली बार उनके लिए जिंगल गाया था। जिंगल गाया? अच्छा, और जिंगल वो पास नहीं हुआ। अच्छा, मगर हमारे दोस्ती हो गए। तो उनके नजरिए के बारे में, उनके बारे में कहा जाता है कि वो सारा चीज रेडीमेड उनका म्यूजिक एल्बम रहता है बाद में, वो उनके बारे में कुछ ट्रेडिशनल नहीं है वो भी थोड़ा सा? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं है, बहुत ट्रेडिशनल है, क्योंकि कभी कभी वो सिर्फ एक ताल देते हैं, एक क्लिक ट्रैक देते हैं और सुर देते हैं, बोले आप गाइए गाना, ये गाना है। अच्छा, उसके बाद उस पर म्यूजिक बिल्डअप करते हैं। अच्छा, ऐसे भी हुआ है, वो कभी भी म्यूजिक से गाने से ही शुरू करते हैं। अच्छा, लेकिन पहले जहां तक मुझे पता है कि 1978 में जयदेव जी के साथ आपने काम किया। 77 में मैंने उनके लिए फिल्म गमन में गया। 77 या 78 जी। तो फिर उसके बाद 91 या 92 में रोजा के लिए मणिरत्नम जी की फिल्म ए आर रहमान के लिए एक लंबा अंतराल प्लेबैक सिंगिंग में। नहीं जी, बहुत गाए हैं, मतलब वो इतना शायद
प्रचलित नहीं हुआ जी। उसके बाद हमने पंचमदा के लिए गए शादमानी वो शादमानी बॉक्सर में, फिर मेरे मन मंदिर में भगवान रहे, ये सुनील दत्त जी की फिल्म है, बच्ची है उनकी, शी इज अ कैंसर पेशेंट। अच्छा, नहीं नहीं ध्यान रहा है। मेरे मन मंदिर में तुम भगवान रहे, तो वो किए हैं। फिर शिव हरि के लिए लम्हे में गाए, लम्हे में लता जी के साथ दो डुएट गाए हम, एक सोलो गाए और काफी गाए, उषा खन्ना के लिए गए हम, एलपी के लिए गए, तीसरी आंकर की तीसरी आंकड़ी में ओम नमः शिवाय भजन उसने गाया। मगर मेरे ख्याल से शायद वो प्रचलित नहीं प्रचलित वैसे पॉपुलर है जी। और उनको लगा कि ए आर रहमान का जो बॉम्बे और रोजा क्लिक हुआ, तो उनको लगा ये नया सिंगर, क्योंकि वो पिछले मतलब आपके रिकॉर्ड से वो सर। मगर एक बात है, देखिएगा 80 से मैं हर साल में गजल एल्बम निकाल जी हमने रिकॉर्ड किए हैं, और तो उसमें गुलफाम करके गया, अरे बहुत लाजवाब था वो, डबल प्लेटिनम। हाँ, उससे पहले जो है रिफ्लेक्शंस वो भी बहुत यू है, पहला नशा। हाँ, पहला नशा। हाँ, सुकून हाथ में तो खैर लाजवाब रहा जी जी जी। तो मेरे तीन माई व्हाट यू कॉल इट माई रेपर्टोर इज फिल्म म्यूजिक गजल्स अच्छा तो ये सारे गजल तो इट स्टार्टेड क्लिकिंग इन 80s। अच्छा, देन प्लेबैक सिंगिंग इट स्टार्टेड एंड देन इट स्टार्टेड क्लिकिंग इन 80s। कॉलोनियल कजन तो एकदम संगम हो गया था 90s में। अच्छा, 92 वाज माय गुड ईयर, स्टार्ट या द बिग टाइम स्टार। अच्छा, आपने हिंदुस्तानी संगीत गुलाम मुस्तफा खान साहब से सुनी, कैसा मतलब उनके साथ वो दौर बीता, कब तक कितने दिन तक सीखते रहे? मैंने उनको क्या सिखा देते ख्याल? नहीं, ख्याल ही सिखाऊ बेसिकली, मैं ख्याल से जी। हाँ, रामपुर सेशवान के गाने जी जी, जो विलंबित द्रुत और जैसे बंदिशें हैं जी, वो 74-75 से उनसे सीखता हूँ, और वो तो अभी भी सफर जारी है, आज भी जाता हूँ। मैंने कहीं पढ़ा है कि आप 12-13 घंटे रियाज किया करते थे। नहीं, 12-13 वो कुछ बड़ी रहा है, मेरे ख्याल से 7-8 घंटा रियाज करते हैं लेकिन 7-8 घंटा भी कोई कम नहीं है रियाज। नहीं, क्या होता है ना, जब एक फॉर्मेटिव इयर्स में एक जुनून सी, ये मतलब सोच के नहीं करता था मैं रियाज, बैठ गया तो बैठ गया, 2-3 घंटा 4 घंटा फिर चलो, अरे यार खाना ही नहीं खाया, खा लिया कुछ, तो एक जुनून होता है ना। तो उस दौर आपको ये नहीं लगता कि कितने घंटे आपने रियाज किया। थोड़ा गुलाम मुस्तफा खान साहब के बारे में कुछ बताइए ना, एज ए शिष्य शागिर्द के रूप में। बहुत अच्छा सिखाते हैं और एकदम सिस्टमैटिक सिखाते हैं। कभी कभी मुझसे कहते हैं, कभी मैं रियाज नहीं करता हूँ, ओए हरी इस चीज पे रियाज कर, जिस चीज में मैं रियाज करता हूँ वही सिखाता हूँ तुम्हें और जैसे बिल्कुल आपके मतलब पिताजी जैसे स्वभाव और I'm lucky to have जयदेव जी इन माई लाइफ, खासा गुलाम सर खासा इन माई लाइफ, जो मतलब वाकई उन्होंने ये समझाया कि आप गाना बजाना करो, उस पर इंटरेस्ट करो, अपने आप सब आ जाएगा। अच्छा, ऐसा क्या चीज था गुलाम मुस्तफा खान साहब में जो आपको लगा खुद से कहने में, अरे यार तो ये सीखना बहुत टफ है? ऐसा कुछ खास नहीं, उनका एक एल्बम है सरस्वती और नायकी कांगड़ा जी, बाकेश जी, तो वो एलपी सुन के मैं पागल हो गया, मतलब पता नहीं कितने हजार बार मैंने सुना होगा, मैंने कहा इनसे सीखा है मुझे। उनका गाना मतलब ऐसे सुनेंगे तो नामुमकिन, और इतनी शफाफ सफाई और शोर उसमें दर्द। अच्छा, हाँ, तो मैंने कहा कि इनसे सीखना है, ये लंबा रास्ता है, ये कुछ कहते हैं ना
अरे भाई हमारा बेटा कितने दिनों में कितने महीनों में गाएगा, ये वाली बात नहीं है, ये जिंदगी की वाली बात है, आप उसमें डूब जाइएगा। तो ये सोच के हमने, क्योंकि वी कम फ्रॉम अ फैमिली ऑफ म्यूजिशियंस, जहाँ मेरे पिताजी और मेरे अम्मा जो है, तो कितने सालों सीखे हैं, क्या क्या घंटे कितने घंटे रियाज किए हैं। तो इट इज लाइक जैसे हम सांस ले रहे हैं वैसे हम संगीत को सीखते हैं, और मतलब 24/7 का ये। यस यस एब्सोल्यूट बिल्कुल जी। अच्छा आपके निश्चित रूप से आपके भी कुछ शागिर्द होंगे क्या? मैं गुरु शिष्य परंपरा में तो आपका यकीन होगा जरूर। नहीं है बिल्कुल, और मैं दो तीन जी और आर्टिस्ट हैं तो और भी उसे बढ़ाना चाहता हूँ जी जी, बट मगर पर्सनल लेवल पे, ऐसा नहीं कि क्लास खुले हैं, वो कोई एकेडमी नहीं है। नहीं, अगर जच गया चेला तो फिर वो अलग बात। तो ऐसे जो आपके शिष्य हैं क्या वो रियाज के मामले में आपको प्रभावित करते हैं? मुझे मालूम होता है कि एक हफ्ते के बाद आते तो कितने रियाज किए हैं वो पता चलता है क्या सीख गया है। तो एक चीज को अगर आप रियाज वाकई करेंगे तो वो सफाई दिखती है जी, वो क्लैरिटी। तो अगर नहीं करें तो मुंह खुलते पता चलता है रियाज नहीं जी। मैंने पढ़ा था आपके बड़े साहबजादे के बारे में, अक्षय, वो इकोनॉमिक्स ग्रेजुएट है जी जी, और अचानक एक दिन शायद आपको कहा कि मैं अचानक नहीं, वो क्या करता था कि वो अपना एक लैपटॉप था उसमें कुछ काम करता था। मैंने पढ़ा इलेक्ट्रॉनिक बेस्ड फ्यूजन म्यूजिक, ये क्या है? ये है सर, ये अभी 2 महीने में रिलीज हो रहा है। अच्छा अच्छा, मतलब एक देखिए ईडीएम इलेक्ट्रॉनिक डांस म्यूजिक। अच्छा, इसमें ग्रूव्स डिफरेंट होते हैं, इसमें कॉर्ड्स का मतलब हार्मनीज होते हैं और बहुत सारे इसमें एलिमेंट्स होते हैं। उन चीज को लेके अक्षय ने क्या किया है कि द मेन सॉन्ग और द इंस्ट्रूमेंट इज प्लेइंग इंडियन क्लासिकल। अच्छा, और उसको सजाया है इससे। अच्छा, क्वाइट इंटरेस्टिंग, ये म्यूजिकल डेकोरेशन है। हाँ करेक्ट, बट इट हैज गॉट रिलेवेंस विद द व्हाट दे आर प्लेइंग। अच्छा अच्छा, एक चीज मैं जानना चाह रहा था हरियन साहब की दुनिया आपको सुनती है, आप किनको सुनना पसंद करते हैं? जी मैं गुलाम सोहन साहब सुनता हूँ, उन्हीं को सुनता हूँ, मेहदी साहब को सुनता हूँ, रोहानी को भी सुनता हूँ जी, और जो लता जी, आशा जी, किशोर दा, सबको सुनते हैं। अमीर खान साहब को सुनता हूँ क्लासिकल, अमीर खान साहब, सलामत अली खान साहब, फिल्म जी सुनता हूँ, जहाँ से लगे कि कुछ ये मिले जी। आज के दौर और ये महसूस भी हो कि संगीत बहुत दूर है क्योंकि ऐसे ऐसे काम किए हैं। सही बात है, आज का दौर जो है उस्ताद गूगल खान साहब का दौर है, लोग चाहते हैं कि यूट्यूब खान उस्ताद गूगल खान और यूट्यूब खान, लोग चाहते हैं कि वो यू चुटकी बजाया झटपट सीख लिया। तो गुरु शिष्य परंपरा कितनी प्रभावित हुई है उससे, क्या ऐसे म्यूजिक निकल पाएंगे? नहीं, एक बात है, आप किस लिए गाना सीख रहे हैं, किस लिए म्यूजिक सीख रहे हैं, इस पे ऊपर इसके आधारित पे जी जी। अगर आप लाइव सॉन्ग गाना आपका पसंद करेंगे या तो उसके हिसाब से वो अपने आप को तैयार करते हैं, क्योंकि आजकल जो वेस्टर्न म्यूजिक का भी प्रभाव है तो वो सीखते हैं, वो यूट्यूब से सीखते हैं और थोड़ा बहुत सीख लेते हैं सरेगमा बदन से जो भी है और गाते हैं, क्योंकि आज का दौर है पक्का गाना नहीं, ऐसा गाना होना चाहिए जैसे एक उसमें एक बावला अच्छा बड़े एक बड़े चाइल्डिश लाइक हो। हाँ। ऐसे गाने चलते हैं, ऐसे चुलबुले टाइप के थोड़े ऐसे एक्सप्रेशन जी, तो सूफी के गाने कुछ अच्छे बनते हैं जी जी, कुछ रोमांटिक गाने भी बनते हैं, बट आई एम टॉकिंग द मेजॉरिटी। आप पटना आए हैं, ये पटना पहली बार तो नहीं आए हो? नहीं सर, कितनी बार आए हैं, काफी बार, आना अच्छा लगता है? हाँ जी बिहार के ऑडियंस से कोई शिकायत तो नहीं? नहीं नहीं, क्यों और आज आप परफॉर्म करने जा रहे हैं एक शाम सुरभी होके हमारे वो सैनिक जो सरहद पर हमारी रक्षा करते हैं, जो शहीद हो जाते हैं
उनके सम्मान में आ जाता है। ऐसा फील होता है ऐसे सैनिकों के लिए गीत गाते हुए। मुझे याद है रोजा में भारत हमको जान से प्यारा है। देखिए आप, हम तो मतलब हम कहते हैं हम पैट्रियोटिक हैं, हम ये करते हैं वो करते हैं, जो वो कर सकते हैं वही कर सकते हैं, हम सोच भी नहीं सकते, सोच भी नहीं सकते हैं सियाचल में और ये जहां भी वो पोस्ट में, सिर्फ जो पोस्ट को संभालते हैं, मतलब वी हैव नो वर्ड्स टू आर ग्रैटिट्यूड। मतलब ये तो कमाल ही है, लोग उन्हीं के भरोसे हम सुकून की नींद सो पाते हैं, सल्यूट करते हैं जी। और ये तो अमेजिंग है, अमेजिंग अमेजिंग, सच में कह रहा हूं मैं, शब्द कम पड़ जाते हैं उनकी तारीफ जी। अच्छी बात कही आपने। और एक चीज मैं जानना चाहता हूँ, मैं फिल्म में प्लेबैक म्यूजिक में काफी दक्षिण भारतीय गायक जो हैं उन्हें मैंने सुना है, एस पी बालासुब्रमण्यम साहब हों, यशुदास हों, शंकर महादेवन साहब आप हों, जब गाते हैं तो कहीं से ये फील नहीं होता है कि ये साउथ इंडिया से ताल्लुक रखते हैं या द्रविड़ फैमिली ऑफ लैंग्वेज से वो ताल्लुक रखते हैं? कैसे हो पाता है संगीत को, आप जैसे बातचीत भी कर रहे हैं तो लग रहा है कि ये हिंदी भाषी है, और संगीत में तो खैर पता ही नहीं चलता कि हिंदी भाषी है, क्योंकि मैंने उर्दू सीखा है। जी जी बिल्कुल, बाकायदा सीखा है। और जो ट्यून वो भी हमें मदद करते हैं जी, उच्चलन जो है, एक नॉर्थ इंडियन कंपोज करता है तो चलन तो नॉर्थ इंडियन हो जी, तो उस चलन में हम अपने आप को सहमत कर लेते हैं तो उसमें हेल्प मिल जाता है। अच्छा, वर्ड से ज्यादा इमोशंस इम्पोर्टेंट होते हैं? नहीं, वर्ड्स को कहते हैं कि अच्छा, इमोशनली उन्होंने कंपोज कर चुका है ना। अच्छा, तो वो रास्ता दिखा रहे हैं ना किस तरह से कहें आप। क्या बात है, बिहार में भी मतलब एक भाषा बहुत प्रचलित है और बॉलीवुड में जिसको भौजीवुड कहते हैं, लोगों ने नाम दिया भोजपुरी फिल्म पर, क्या आपने कभी भोजपुरी गाना सुना है? हाँ सुना हूँ, मैं एक आध कुछ गाया भी हूँ, पता है। अच्छा? याद नहीं है। हाँ, अगर दो पंक्ति याद आ जाए तो सर। नहीं याद नहीं है, मुझे बहुत पहले अच्छा गाया हूँ। किसी दूसरे का गाया कोई गाना ध्यान में है भोजपुरी? नहीं नहीं नहीं, ध्यान में नहीं, मगर गाया हूँ कोई छोटी फिल्म, पता है। दिस आई एम टॉकिंग ऑफ 70s, एंड ऑफ 70s। एक तो हम लोग सजेस्ट करें आप गाएंगे भोजपुरी? नहीं, हम इतना जल्दी तो नहीं होगा आप जरूर आपके कोई लोकल गाने किसी को गाएं, एक आध तो गाइए, मगर अच्छा गाएं और फिर आगे का क्या प्रोजेक्ट चल रहा है अपने गायन में? अच्छा, गजल जो है एक तरह से लगता है कि इसका एक ठहराव सा आ गया है। नहीं सर, कुछ नहीं है ऐसा, कहीं भी जाते हैं तो 2-3 हजार लोग तो आ जाते हैं, ऐसे कोई नहीं, उसको मीडिया में चलाते नहीं। ना तो आप रेडियो में गजल सुन सकते हैं, ना तो टीवी में देख सकते हैं। क्या वैसा नज्म, नए नज्म ऐसे सामने आ रहे हैं? बिल्कुल, और लोग कहां जहां भी हम जाते हैं, बम्बई वगैरह कहीं कहीं भी जाते हैं, हम भोपाल में 5,000 लोगों के लिए गाए गजल 2.5 घंटा। अरे वाह। हाँ, तो ऐसी कोई बात नहीं है, वो लोग फैशन निकल गए। लेकिन एक बात लगता है कि एक दौर आया था कि गजल गायक काफी फैशनेबल थे। फैशनेबल जी जी, अभी सुनते हैं जो समझते हैं, लेकिन नए कोई नहीं उभर के सामने आ रहा, कोई नया हरिहरन नहीं सामने आ रहा है। तो क्योंकि क्या है कि गजल गाने के लिए बहुत साल लगते हैं जी, और बच्चे घबरा जाते हैं क्योंकि स्ट्रगल ज्यादा है। अच्छी स्ट्रगल जी, पता नहीं वो सब करने के बाद भी आपको क्या हासिल होगा, असमंजस में सारा चीज रहता है। यहाँ पे बॉलीवुड में आप 2-3 गाना हिट कर लीजिए, फिट हो जाए। बॉलीवुड में बहुत दिनों से आप नहीं मतलब नजर आ रहे हैं, मैं सुर के माध्यम से। हाँ नहीं, बहुत ज्यादा है, पूरा एज ग्रुप ही चेंज हो गया। अच्छा, अच्छी बात है क्योंकि अभी यंगर वॉइसेस, तो ऐसे गाने आपको अब सूट नहीं कर रहे? सूट की बात नहीं है, और भी है लोग जो गाते हैं। अच्छा, उनके लिए आपने स्पेस दे दी है? मैंने नहीं दिया, उन्होंने दे दिया बिल्कुल नए दौर में कुछ गजल गायक जो सामने आए हों
जो लग रहा हो कि आने वाले समय में ये काफी सुना जाएगा। जिसी करके वो अच्छा एक चांद्रे में शाकिर जैसे वो दैट गर्ल्स नेम दैट मराठी गर्ल गजल के बारे में बहुत असमंजस की स्थिति में नहीं रहना है। गजल नहीं नहीं बिल्कुल बिल्कुल नहीं, बिल्कुल जब, नहीं। जब तक रोमांस है तब तक गजल है मैं गजल क्या बात है। इस बात से ही हम इस बातचीत को विराम देते हैं। मैं चाहूंगा कि लाइव सिटीज के दर्शकों के लिए दो शब्द आप उनसे मुखातिब ये कहूंगा कि आप जरूर गजल सुनिएगा और अच्छा संगीत सुनिएगा बिकॉज जो संगीत है वो बहुत बड़ा मेडिसिन है स्पिरिचुअली मेंटली एंड फॉर योर हार्ट एंड सोल। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो ये थे हरिहरन साहब, आपने इनसे बातचीत सुनी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।